हैप्पी संडे टू एवरीवन। आज मैं शेयर करने वाली हूँ मटन का करी, और मटन का करी इतना लाजवाब बना है कि मैं क्या बोलूँ, और संडे का तो मज़ा ही आ गया। चलिए उसका रेसिपी देखते हैं। पहले मटन को अच्छे से धो देना है, उसके बाद दही और नींबू, हाफ नींबू निचोड़ के अच्छे से इसको आधे घंटे के लिए रख देना है। फिर देखिए यहाँ पे आलू, दो बड़ा बड़ा आलू मैंने लिया है, इसे बीच में से काट के उसको हल्का गोल्डन ब्राउन तक फ्राई करना है। देखिए दो सूखी मिर्च, दो तेज़पत्ता, कुछ दालचीनी और चार इलायची, दो लौंग लिया है, और यहाँ पे देखिए पांच छः हरी मिर्च और तीन प्याज को हमने काट के चॉप करके रखा है। आप चाहें तो मिर्ची कम ज़्यादा कर सकते हैं, और यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ पे देखिए तेल बहुत अच्छे से गर्म हो गया है, मैंने सरसों का तेल यूज़ किया है। फिर इसमें हम डाल देंगे तेज़पत्ता दो जो हमने रखा था। फिर हम इसके बाद डालेंगे देखिए चार पांच कुछ हम जो दालचीनी रखे थे। फिर हम इसके बाद इलायची और लौंग को डाल देंगे, जो वो भी कुछ चार पांच ही मैंने लिया है। और यहाँ पे देखिए इसके बाद हमने जो मिर्ची रखा था वही दो मिर्च को तोड़ के डाल देना है, और कुछ जीरा ऐड कर देना है। तो इसको हम अच्छे से थोड़ा हिलाएंगे, थोड़ा अच्छे से फ्राई करेंगे। फिर इसके बाद हम चॉप किया गया हरी मिर्च जो रखे थे वही डाल देंगे। फिर ऑनियन के बाद जो चॉप किया हुआ प्याज हमने रखा था उसी को भी ऐड कर देना है हमको एक साथ। ये सबको हमको तब तक पकाना है जब तक ये गोल्डन, हल्का गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता है। फिर इसके बाद हम ऐड करेंगे पूरा, मैंने एक चम्मच नमक लिया है, आप अपने स्वाद के हिसाब से ले सकते हैं। और फिर इसको हम अच्छे से पकाएंगे। हमारा ऑनियन का कैसे कलर चेंज हो गया है, हल्का हल्का ब्राउनिस आ गया है, गोल्डन ब्राउन। तो हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का जो पेस्ट था वही ऐड कर देंगे। और इसको हमको अच्छे से दो तीन मिनट तक बहुत अच्छे से पकाना है, जब तक ये घुल नहीं जाता उसमें। देखिए दो तीन मिनट के बाद इसको अच्छे से फ्राई करने के बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर। मैंने दो टमाटर लिया है, अच्छे से चॉप करके लिया है देखिए। फिर इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक ये अच्छे से इसके मसाले के साथ घुल मिल नहीं जाता। टमाटर बन गया है, पक गया अच्छा से, तो अभी इसे डाल देंगे हल्दी, गरम मसाला, लास्ट में ये कश्मीरी मिर्च, ये थोड़ा सा इसमें डाल देंगे, ये कलर के लिए खाली अच्छा। थोड़ा सा पानी डाल देंगे, अभी डाल देंगे इसमें। अभी इसमें मटन डालेंगे, थोड़ा सा बनने दो, अभी थोड़ा सा बनने दो, उसके बाद ढक देंगे, फिर बाद में कुकर में डालेंगे। तो मटन थोड़ा कट किया है, कटा हो गया है, अभी इसको कुकर में शिफ्ट करेंगे, कुकर में थोड़ा शिफ्ट करेंगे।
हम लोग कुकर में शिफ्ट कर लेंगे। तो कुकर में लाने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा पकाना है और मैंने यहाँ पे 2 गिलास पानी लिया है और आप अपने हिसाब से पानी ले सकते हैं। और फिर हमको ढक्कन लगा देना है कुकर का, फिर हमको इसको बहुत ही अच्छे से 5 सीटी पूरा मारना है, पूरा पूरा 5 सीटी मारने के बाद। तो उसके बाद आपको ढक्कन निकाल के यहाँ पे धनिया का पत्ता ऐड कर लेना है और ऐड करने के थोड़ा सा आपको अच्छे से उसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हमको फिर से ढक्कन कवर कर देना है। ढक्कन को कवर करके हमको पूरा फिर 2 सीटी के बाद आप गैस ऑफ कर देंगे और पूरे 5 मिनट के बाद आपको इसको खोलना है। और आप देखिए आपका मटन का कलर जो है ना वो लाजवाब आया होगा, स्वादिष्ट होगा और आप इसको राइस के साथ, किसी के साथ, पराठे के साथ भी खा सकते हैं। तो आज की मटन की रेसिपी कैसी लगी? अगर बहुत अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और बहुत सारी टेस्टी रेसिपी मैं आगे बताने वाली हूँ। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।